पर बिग बॉस चर्चा का विषय है, फिर से चालू हो चुका है, और कैसे आग बंद करते वक्त चला गया। मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा कि एक साल हो चुका है बिग बॉस को, दूसरा बिग बॉस भी आ गया, बिग बॉस 14 मुझे लग रहा है कल की बात है जब हम एंट्री कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। और जो हमने वहाँ पे जर्नी निकाली है 4.5 महीने, लगता ही नहीं कि वो यू नो एक साल पुरानी बात है, ऐसा लगता है कि कल की बात है। तो अच्छा लगता है सोच के, लेकिन अभी बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है, तो मैंने बिग बॉस 14 के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखे, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। तो बिग बॉस 14 में जो मैंने देखा है अभी तक, वो सिर्फ यही देखा है कि शुक्ला ही चमक रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 13 ही चल रहा है, बस वहाँ पे शुक्ला की जगह बाकी जितने कंटेस्टेंट सब हट गए हैं और वो ही चल रहा है। तो थोड़ा सा मोनोटोनस है मेरे लिए, मतलब कि कुछ नया नहीं दिखा मुझे, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पे 2 दिन में जो मैंने देखा, बाकी मुझे आगे का नहीं पता, जो मैंने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर, इन बच्चों को जो आए हैं नए कंटेस्टेंट जो आए हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो डायरेक्ट करना किसी को इज़ नॉट बिग बॉस, बिग बॉस इज़ इंडिविजुअलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है, आपको अपने बारे में दिखाना होता है कि आप कैसे हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगा, और बाकी शुक्ला है वहाँ पे तो वो अकेला ही एंटरटेन कर रहा है, तो इस वजह से हमने देख लिया। क्या मानते हैं कि जो इतिहास बिग बॉस 13 ने रचा, पर मैं चाहूंगा कि बिग बॉस हमेशा हिट जाए, क्योंकि मेरा फेवरेट शो, मुझे सब कुछ बिग बॉस नहीं दिया है। आज की डेट में मैं जो हूँ वो बिग बॉस की वजह से हूँ, लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं और जो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल पाया, तो मेरी यही प्लानिंग भी मेरी यही थी कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको दोगे तो वो आपको देगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। आप बिग बॉस को नाश मार रहे हो, तो उससे ऐसा होता है कि आगे आने वाले कंटेस्टेंट्स एक्टर्स जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि क्या यार बेकार था लास्ट सीजन। इस सीजन हर कोई खुशी खुशी गया होगा कि मैं बिग बॉस जाना है, बिग बॉस जाना है, क्योंकि बिग बॉस 13 बहुत हिट गया था। अब बिग बॉस 14 अगर, मतलब भगवान ना करे ऐसा, क्योंकि मेरा बिग बॉस वालों से बहुत प्यार है, कलर्स वालों से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूँ कि शो बहुत हिट जाए, पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको। तो मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूं तो मैं बोल के कहूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है शुक्ला की, हिना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो, आप वो करो क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलने चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं। पवित्रा ने बहुत कुछ कहा आपने। हाँ, मुझे पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई। पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है, पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, नहीं तो। और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में, उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूफ कर दिया, जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वॉज डबल डेटिंग पारस। तो किस टाइप की लड़की है वो? और ये बात तो मैंने कभी बाहर नहीं निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो ब्रेकअप का रीज़न ही यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी, प्लस शी वॉज मैरिड। तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की ज़रूरत क्या है? आपने ये पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफ कोर्स, तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। या राइट, ओके। हम डू यू सी तंबोली इज देयर, जस्मीन इज देयर, हम यू सी देयर, या तंबोली है वहां पे? तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की। तो एक्स जैसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी, उसकी जो, मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की यू नो कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब, तो वो ठीक था। मुझे, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है, क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी 2 बारी एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा, जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त फिलहाल। एजाज को मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन देखा, मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है वो, थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि
जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है, तो विच इज ग्रेट. तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए. एक लव एंगल निकल रहा है एजाज भाई तरह के बीच में. ओ अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी जिंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो जिंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा. तो ये पवित्र से अब अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा. इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अब काफ़ी नोन है. तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए. जान कुमार सानू, राहुल वैद्या. राहुल वैद्या इज अ ग्रेट सिंगर, हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है. और मैं राहुल वैद्या को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि यू नो मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है लेकिन घर पर जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए. और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा. उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा. पर वो जो वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली में वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी. सो दैट वॉज अ थिंग, वो अपने लिए बात करी थी, दूसरों के लिए नहीं. सी तो अभी हम जो म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं वो तो आपके पास धीरे धीरे आती जाएंगी, पर जो हमारे प्रोडक्शन की, जो मेरे प्रोडक्शन कुबेरा सीरीज की जो आएगी म्यूजिक वीडियो, वो नवंबर में आएगी. उसके बारे में मैं अभी बताना चाहूँगा. वो गाना ऑलरेडी वायरल है, तो उसके अब जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाना कौन सा है. और गाने में मैं और माहिरा बहुत ही अलग लुक लेके आए हैं. माहिरा कैसीनो में लहंगे में आई है. कैसीनो में कौन लहंगे में जाता है, कोई नहीं, पर हमारी माहिरा गई है. और जैसे कि माहिरा ने गाना किया था मैनू ले दे महंगा लहंगा ले जानिया, और एक उसका गाना था कि तेरे लहंगे में हीरे जड़वा दूंगा, तो मैंने उसके लहंगे में हीरा भी जड़वाया और महंगा ही लहंगा लिया. कितना महंगा लिया मैं ये नहीं बताऊँ, कितना महंगा लिया कि लाखों में लिया, पर लहंगा बहुत ही महंगा. और उसके बाद जो मेरी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है रणवीर सिंह से. तो रणवीर सिंह आपको पता ही है, मैं उसको कॉपी तो करता ही हूँ, उसके जैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं इस लाइक वो डिफरेंट होता है थोड़ा, जो कि वरना नॉर्मल लड़के क्या पहनते हैं, टी शर्ट शर्ट जीन्स पैंट्स कोट इतना ही. तो मुझे इतने में मेरा पेट नहीं भरता, मुझे इतना चाहिए. तो रणवीर सिंह क्या है, उसके पास बहुत सारे यू नो कपड़े हैं पहनने के लिए, तो उसको मैंने कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ इसलिए मैंने वैसी लुक रखी. Yeah, it also remind me of Deepika Padukone of Ramlila and the way you know Ranveer Singh have dressed up in Ramlila. जी जी जी. क्या वही concept होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ये रामलीला वाला concept नहीं है, ये बहुत ही अलग concept है. जब आप देखोगे तो आपने लुक शायद देखी होगी, लुक तो मैंने रिवील कर दी है उसको. वाइट टाइगर प्रिंट है, लोग उसको जेबरा प्रिंट बोल रहे हैं. इट्स नॉट जेबरा, इट्स टाइगर प्रिंट, वाइट टाइगर प्रिंट, और वो टाइगर की ही लुक है. बहुत ही जल्दी अभी तो मैंने म्यूजिक लेबल ऑन किया है, और म्यूजिक लेबल भी मैंने ऑन क्यों किया है क्योंकि किसी ने बोला था कि पारस में वो कैलिबर नहीं है. और वो किसी अगर वो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि कैलिबर बेटा कितना है, तुम्हारे सामने ही प्रोडक्शन हाउस खड़ा करूंगा और तुम्हारे आगे ही आऊंगा. अब मैं एक्टर नहीं हूं, तुम्हारे जैसा ही हूं. तो कैलिबर इतना है मेरे अंदर. अभी तो मैं म्यूजिक वीडियोज बना रहा हूं, जनवरी फरवरी से मूवीज भी बनेंगी और वेब सीरीज भी बनेंगी, क्योंकि यही मेरा प्लान था. तो अभी मेरे कम से कम 3 से 4 गाने रिलीज होने वाले हैं, और एक मेरे प्रोडक्शन का खुद एक गाना रिलीज होने वाला है जो कि बहुत वायरल है ऑलरेडी. सारे टिकटॉकर्स ने बनाई हुई है वीडियो. हाँ अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ. हमारे सारे टिकटॉकर्स ने, सारे इंस्टाग्राम वालों ने, सारा सोशल मीडिया ने वो गाने पे वीडियोज ऑलरेडी बनाई हुई हैं. तो फिर से बनाओगे तुम, नए तरीके से बनाओगे, इट्स ओके. एंड 2 वेब सीरीज हम करने वाले हैं, महरा और मैं, और फेब्रवरी में, मोस्ट प्रोबेबली फेब्रवरी या फिर मार्च में हमारी मूवी भी स्टार्ट होने वाली है एक. सो होपिंग कि सब कुछ अच्छा जाए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे. और सभी फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्यार करो या नफरत करो, मैं आपको कभी अपने आप को भूलने नहीं दूंगा, आपके दिमाग में बसता रहूँगा. टन 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 टन. थैंक यू सो मच.